हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक। तो आज हम आप लोग के लिए हिंदी का जो काव्य खंड है वो लाए हुए हैं। इसका पहला चैप्टर है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचय और साथ ही साथ इससे कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना, पाठ का नाम है कड़बक, ठीक है। उसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जयासी। इनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में, अनुमानित जो है 1492 में हुआ था, ठीक है ना। और निधन आवास जो है इनका 1548 में अनुमानित है, पता नहीं सही है या क्या है। जायमकन अमेठी में, जो कि उत्तर प्रदेश में होता हुआ है, ठीक है ना। इनका पिताजी थे, पिता का नाम मलिक शेख गमरेज, मलिक राजे अग्रक्षण थे, ठीक है। चले अगला जो पॉइंट है, गुरु सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। उनकी वृत्तियाँ थे, शुरू में जैसे आरंभ में जायस में रहते थे, ठीक है। किसानी जाद में, शेष जीवन फकीर में। बचपन में ही अनाथ हो गए थे और साधुओं फकीर के साथ भटकते हुए बचपन बीता हुआ था इनका, ठीक है। चलिए अगला कुछ पॉइंट जो है, व्यक्तित्व वेचक के कारण, यहाँ पर दोस्तों चेचक होगा, ठीक है। चेचक के कारण रूपहीन तथा बायां आँख और कान से वंचित हो गए थे। मृदुभाषी मनस्वी एवं और स्वभावतः संत थे। इनकी कृतियाँ जो है, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, फहरनामा है और मसाला या मसलानाम है। और उनकी जो है कृति पंचायत, होलीनामा, इतरावत इत्यादि कृतियाँ में उल्लेख आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आप लोग जानते ही हैं कड़बक पाठ के कवि कौन हैं, तो इसका आंसर है मोहम्मद मलिक जयासी जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, मलिक मोहम्मद जयासी की कविता कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दू का बी, कड़बक जो है। अगला क्वेश्चन जो है मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता है 1492 ईस्वी में। हम लोग लेखक परिचय पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जयासी किस तरह के कवि हैं, तो जयासी जो है 5 का सही जवाब हो जाएगा, बी, सूफी कवि हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है अमेठी में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी के पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा शेख यमरेख नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी थे तो दोस्तों जयासी एक फकीर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेम मार्गी सखा से। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी के काव्य की भाषा कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवधी थी। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी के काव्य का मुख्य रस क्या है, तो 11 का आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी ने रतन सेन तथा पद्मावती के कथा को किस प्रकार जोड़ा है, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, रक्त रूपी लेई द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी ने रतन सेन एवं पद्मावती को कथा को किसके द्वारा सींचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने आंसुओं से सींचा है। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी ने किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का, बी, नेत्र दोष है उनको, एक आंख के काने हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जयासी का
काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, समुद्र की भांति। अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जियासी जी हैं। अगला क्वेश्चन जो है करबक कहाँ से लिया गया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा पद्मावत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, करबक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जियासी जी हैं। अगला क्वेश्चन जो है जियासी रचित पद्मावती भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा है। अगला क्वेश्चन जो है मलिक मोहम्मद जियासी किस परंपरा के कवि हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, प्रेम विख्यान काव्य परंपरा के। अगला क्वेश्चन जो है, जियासी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 के दर्पण से किया है। अगला क्वेश्चन जो है, मलिक मोहम्मद जियासी किस शाख के कवि हैं? तो 22 का सही जवाब है प्रेम मार्गी सखा के कवि हैं। किस सखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी सखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सी कृति जियासी की नहीं है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा डी, मृगावृत्ति। अगला क्वेश्चन जो है, पद्मावत किसकी रचना है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा सी, जियासी की है। अगला क्वेश्चन जो है, चित्र रेखा किस कवि की रचना है? तो 25 का आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जियासी की है। अगला क्वेश्चन जो है, जियासी का जन्म स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा जियासी का है अमेठी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, जियासी का मोहम्मद जियासी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1548 लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, मलिक मोहम्मद जियासी कवि हैं, तो ये कैसे कवि हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, पीर की कवि हैं। मलिक मोहम्मद जियासी किस शाख के कवि हैं? तो 22 का सही जवाब है प्रेम मार्गी सखा के कवि हैं। किस सखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी सखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सी कृति जियासी की नहीं है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा डी, मृगावृत्ति। अगला क्वेश्चन जो है, पद्मावत किसकी रचना है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा सी, जियासी की है। अगला क्वेश्चन जो है, चित्र रेखा किस कवि की रचना है? तो 25 का आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जियासी की है। अगला क्वेश्चन जो है, जियासी का जन्म स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा जियासी का है अमेठी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, जियासी का मोहम्मद जियासी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1548 लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, मलिक मोहम्मद जियासी कवि हैं, तो ये कैसे कवि हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, पीर की कवि हैं।